हेलो नमस्कार स्टूडेंट मैं अभिषेक भार्गव भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है अड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ठीक है तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है शुरू से लेके लास्ट तक आपको जरूर देखना है बहुत ही कम प्रश्न है और यहाँ से एक नंबर का जो है वह आपके एग्जाम में जो है वो प्रश्न जरूर पूछा जाएगा तो इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है भार्गव क्लासेस जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इसका पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड

लेकिन यह साल के अंत में जो है वो दिए जाएंगे वर्ष 2022 में जो अड़सठवें नेशनल फिल्म अवार्ड है वो 2020 के लिए जो है वो दिए जा रहे हैं मतलब कि 2020 की फिल्मों के लिए जो है वो 2022 में ये अवार्ड जो है वो दिए जा रहे हैं देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जो है वो शुरुआत की गई थी उन्नीस में ठीक तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं ठीक अब देखते हैं यहां से जो है वो क्वेश्चन तो पहला प्रश्न है इसमें कि अड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला तो यहां पर बताना है कि सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है ठीक है तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा तानाजी द अनसेंग वॉरियर इसको जो है वो सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जो है वो दिया गया है अजय देवगन की फिल्म थी आपको याद होगा तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म जो है वो तानाजी द अनसेंग वॉरियर ठीक है और डायरेक्टर इसके ओम राउत दूसरा प्रश्न था इसमें कि अड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला देखिए पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा और उसके हिसाब से जो है वो याद रखने की कोशिश करिएगा ठीक है अब यहां पर पूछा जा रहा है ये पॉपुलर नहीं है ये पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा तुलसीदास जूनियर तुलसीदास जूनियर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार जो है वो सर्वश्रेष्ठ दिया गया है अड़सठवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ठीक है देखिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है वो तुलसीदास जूनियर है उसके बाद डायरेक्टर जो है उसके मृदुल महेंद्र हैं अलग अलग भाषाओं की फिल्मों को अलग अलग पुरस्कार जो दिए गए हैं तो उसमें नीचे देखिए तो बेस्ट हिंदी फिल्म में जो है वो तुलसीदास जूनियर बेस्ट तेलुगु फिल्म में कलर फोटो बेस्ट तमिल फिल्म में ये वाली फिल्म है बेस्ट कन्नल कन्नड़ जो फिल्म है उसमें डोलो उसके बाद बेस्ट हरियाणवी फिल्म है दादा लक्ष्मी ठीक है बेस्ट मलयाली फिल्म है उसके बाद में बेस्ट मराठी फिल्म है उसके बाद बेस्ट बंगाली फिल्म है तो ये जब पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो ये इनको भी थोड़ा सा याद रखिएगा कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है देखिए उसी प्रकार बेस्ट असमी फिल्म है ब्रिज उसके बाद बेस्ट तुलु फिल्म है जो है वो भी है यहाँ पर ठीक तो कुछ भी पूछा जा सकता है वैसे पूछा नहीं जाता फिर भी आपको याद रखना है ठीक है तीसरा प्रश्न है कि अड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे दिया गया यहां पर पूछा जा रहा है कि मेल जो है वो प्लेबैक सिंगर जो है बेस्ट तो कौन है जिसको अवार्ड जो है वो दिया गया तो यहां पर जो सही आंसर है वो है ए राहुल देश पांडे राहुल देश पांडे को जो है वो बेस्ट प्लेबैक जो है मेल सिंगर का अवार्ड जो है वो दिया गया है ठीक है तो याद रखना है आपको देखिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल जो है वो राहुल देशपांडे मराठी फिल्म मी वसंत राव के लिए जो है वो उसको दिया गया है चौथा प्र, प्रश्न है कि अड़सठवें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे दिया गया यही जो है वो एग्जामों में पूछा जाता है इसलिए आ, ऐसे ही प्रश्न जो हमने लिए हैं ठीक है तो यहां पर जो है सही आंसर होगा वो सी नचमा ठीक है इनको जो है वो बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जो है वो दिया गया है तो बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर जो है वो नचमा जो कि मलयालम ए के अयप्पन कोशियम इस फिल्म के लिए जो है वो इनको दिया गया है बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड जो है वो मनोज मुंतसीर को दिया गया है फिल्म सायना के लिए और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए थमन एस को जो है वो दिया गया है ठीक तो याद रखना है इनको भी जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो ये सारी चीजों को जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन नॉन फीचर के लिए विशाल भारद्वाज को दिया गया है ठीक है बेस्ट एक्शन एंड डायरेक्शन के लिए राज शेखर को ठीक है और माफिया सासी और सुप्रीम सुंदर को दिया गया है ठीक है और फिल्म कौन सा है तो ए के अयपन कोशियम इसके लिए बहुत सारे अवार्ड जो है इस फिल्म को दिए गए हैं ठीक है थीके, बेस्ट कोरियोग्राफर के लिए संध्या राजू को ठीक है उसी प्रकार और भी बाकी सारे अवार्ड जो है वो आपको यहां से देख लेने हैं एक बार ठीक है पांचवा प्रश्न है कि अड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसे मिला है देखिए मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट की बात की जा रही है तो स्टेट का अवार्ड जो है दिया गया है मध्य प्रदेश को किसको दिया गया है मध्य प्रदेश को ठीक है तो याद रखना आपको ये एग्जाम में हो सके तो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट इसी हिसाब से जो है वो पूछा जाएगा तो इसको मोस्ट आई कर लीजिएगा ठीक है देखिए फिल्म शूटिंग के लिए सबसे पसंदीदा पसंदीदा राज्य क्या है मध्य प्रदेश को दिया गया है और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्पेशल मेंशन अवार्ड जो है वो उत्तराखंड और यूपी को भी मेंशन किया गया है ठीक है तो याद रखना है उसके द लॉन्गेस्ट किस को किसको दिया गया है द लॉन्गेस्ट किस को ठीक है इसकी लेखिका जो है वो किश्वर देसाई है सातवा प्रश्न है कि अड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट डायरेक्टर यानी निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है तो बेस्ट निर्देशक का भी अवार्ड जो है वो एग्जाम में जो है वो अक्सर पूछा जाता है तो यहां पर जो दिया गया है के आर सचिदानंदन को के आर सचिदानंदन को जो है वो दिया गया है ठीक है बेस्ट डायरेक्टर के आर सचिदानंदन मलयालम फिल्म ए के अयप्पन कोशियम प्रांत दिया गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रांत जब भी कोई अवार्ड दिया जाता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है तो याद रखिएगा आठवां प्रश्न है कि अड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया अब ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाता है क्योंकि अभिनेता की बात की जा रही है यहां पर तो यहां पर जो है वो सही आंसर होगा ए एंड बी दोनों को मतलब कि अजय देवगन को तानाजी द अनसेंग वॉरियर के लिए और सूर्या को सोर सोरा रई पट्टू ये जो फिल्म है इसके लिए सूर्या को और अजय देवगन दोनों को जो है वो कंबाइंड रूप से दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड ठीक है तो फिल्मों के नाम भी इनके याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक नवा प्रश्न है कि अड़सठवे फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस अभिनेत्री का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया तो बेस्ट एक्टर और अभिनेत्री दोनों का नाम आपको याद रखना है तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा अपर्णा बाल मुरली अपर्णा बाल मुरली को जो है वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो दिया गया है ठीक है बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो अपर्णा बाल मुरली तमिल फिल्म सोरा सोरारई पोट्टू इसके लिए जो है वो इनको दिया गया है ठीक है तो नाम याद रखना है नेक्स्ट प्रश्न है कि अड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है यहां पर जो है सपोर्टिंग एक्टर और अभिनेता की बात की जा रही है तो किसको दिया गया है तो बिजू मेनन बिजू मेनन को जो है वो दिया गया है ठीक है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बिजू मेनन मलयालम फिल्म ए के अयपन कोशियम ठीक है इसको इसके लिए इनको दिया गया है अड़सठवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है अब यहां पर जो है वो अभिनेत्री की बात की जा रही है तो अभिनेत्री में जो है वो लक्ष्मी प्रिया को जो है वो ये अवार्ड दिया गया है किसे दिया गया लक्ष्मी प्रिया को तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस लक्ष्मी प्रिया तमिल फिल्म जो है वो ये फिल्म है इसके लिए है इनको दिया गया है उसके बाद में बारवा प्रश्न है कि अड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात की जा रही है तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है वो वो किसे दिया गया है है देखिए पर अलग अलग जो कैटेगरी है फीचर फिल्म है पॉपुलर फिल्म फिल्म है हिंदी फिल्म है तो उसके अनुसार आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ठीक है तो यहाँ पर सोरा राई पट्टू को जो है वो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो है वो अवार्ड दिया गया है तो ये कुल मिला के आपके बारह क्वेश्चन थे ठीक है इनमें बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकते थे जो कि हमने इस पीडीएफ में इंक्लूड कर दिए हैं तो आप जब पीडीएफ डाउनलोड करें तो उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि इतने जो इंपॉर्टेंट थे वो क्वेश्चन कर लिए हैं ठीक है तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आपको किस तरीके से और भी वीडियो चाहिए वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा उसको इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाएगा आगे आने वाले दिनों में ठीक है कि आपने कौन से वीडियो की डिमांड की है तो उसको देखते हुए जो है वो वीडियोस बनाए जाएंगे ठीक है तो आप अपना कमेंट जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जो है वो कमेंट करिएगा ठीक तो आज के वीडियो में इतना ही था और एक बात कहना चाहूंगा कि यदि अभी तक आप लोगों ने भार्गाव क्लासेस के जो है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो है वो फर्स्ट कमेंट में जो वो टेलीग्राम ग्रुप का जो है वो लिंक दिया जाता है तो वहां से जाकर जो है वो उसको वहां से जाकर मतलब उस लिंक पर क्लिक कर आप जो है भार्गा क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएंगे वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ज्वाइन करने के बाद में ये सारे पीडीएफ जो है वो जो भी वीडियो आते हैं उसके पीडीएफ जो है वहां पर आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाया करेंगे ठीक है तो आज के वीडियो में इतना ही था जय हिंद जय भारत